कन्नौज में कुम्हार समाज के लोग मायूस हैं, उम्मीद पर नाउम्मीदी हावी है। कन्नौज के हसेरन में जैसे जैसे दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है, दीपावली के त्योहार पर बाजारों में मंदी के चलते व्यापारियों के चेहरे मुरझाए से लग रहे हैं। जब कुम्हार समाज के लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया, कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन का असर लोगों की दिनचर्या पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोग बाजारों में खरीदारी कम कर रहे हैं। विगत वर्षों में हम लोग मिट्टी के दियों का स्टॉक करके थोक में बेचते थे, लेकिन इस बार जो लागत हम लोगों ने लगाई है वो लागत भी निकलती नजर नहीं आ रही है। मेहनत तो बहुत पड़ रही है, तालाब से मिट्टी लाना है, लाके खोदी, खोद के यहाँ फिर वो तैयार करी, मेहनत ज्यादा है। अब मेहनत के हिसाब से दीपक बनाए हैं तो दीपक की बिक्री कम है। इतनी मेहनत कर रहे हैं और दीपक जो बिच नहीं रहे हैं, चाइना आइटम चल रहा है, तो हम लोग क्या करें। बना धर रहे 10,000 दिवड़िया बना रही, हर साल जैसी बिक्री हो रही थी वैसी बिक्री नहीं हो रही है। चाइनीज सामग्री का भी बाजारों में बोलबाला होने की वजह से मिट्टी के दियों की बिक्री कम नजर आ रही है, जिसके चलते कुम्हार समाज के लोगों पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। नहीं मिलते नहीं है कछु, मेहनत तो बहुत कछु नहीं मिलते है, बाल बच्चल पल वो कठिन परेशानी है बहुत है। बिक्री भाई नहीं है भैया, आइटम चल रहा है बिक्री भाई कछु नहीं है। कड़ी मेहनत के बाद समाज के लोग मिट्टी के बर्तनों को बनाकर आकृति देकर बाजारों में लेकर आते हैं। मेहनत के हिसाब से मिट्टी के दियों के उचित मूल्य न मिलने के कारण लोगों के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। अब देखना ये है कि कुम्हार समाज के लोगों पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है या फिर इस समाज के लोग ऐसे ही बदहाली के आंसू बहाएंगे। द पंचौरा न्यूज के लिए सौरिक कन्नौज से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।